हवा में लटक रहे पिलर का सच। झूलते खंबे के बीच कपड़ा निकालने से होती है विश पूरी। 70 से ज्यादा खंबों पर टिका है शिव मंदिर। मंदिर में है एक विशाल पैर का निशान। आंध्र प्रदेश में भगवान शिव का एक ऐसा अनोखा मंदिर स्थापित है जो अपने अनोखी भव्यता को लेकर पूरे देश भर में जाना जाता है। इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर। आपको बता दें कि भगवान शिव के इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के नाम से साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर पिलर यानी खम्बा हवा में लटका हुआ है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि मंदिर में कुल 70 खम्बे हैं, जो सामान्यतः जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक खम्बा ऐसा है जो रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खम्बे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें एक खम्बा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खम्बे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खम्बे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि आखिर ये खम्बा हवा में कैसे लटकने लगा। कहा जाता है कि मंदिर का खम्बा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था और ये पूरा मंदिर इन्हीं 70 खम्बों में टिका हुआ है। लेकिन कैसे टिका हुआ है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक ब्रिटिश इंजीनियर ने पिलर को हिला दिया। तब से ये खम्बा हवा में ही झूल रहा है। कुर्मा सेलम की पहाड़ियों पर ये मंदिर कछुए की आकार में बना हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर को ऋषि अगस्त ने बनाया था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार मंदिर को सन 1583 में विजयनगर के राजा के लिए काम करने वाले दो भाइयों वीरूपन्ना और वीरन्ना ने बनाया था। जानकारों के मुताबिक ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र के लिए बनाया गया है। यहाँ तीनों भगवानों के अलग अलग मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ बड़ी नागलिंग प्रतिमा मंदिर परिसर में लगी है, जो कि एक ही पत्थर से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी नागलिंग प्रतिमा मानी जाती है। काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति में एक शिवलिंग के ऊपर 7 फन वाला नाग बैठा है। इसके अलावा इस मंदिर में बड़ा सा पैर का निशान भी मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ वनवास के दौरान आए थे। जब रावण माता सीता का अपहरण कर ले जा रहा था, तभी पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया और घायल होकर इसी स्थान पर गिरे थे। बाद में जब श्री राम सीता की तलाश में यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले लगा लिया। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब है उठो पक्षी। तो उस निशान को लेकर त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं। यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग है राम लिंगेश्वर, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है हनुमान लिंगेश्वर। बताया जाता है कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।